Yes. Please, please, your Prime Minister is speaking. शांति से सुनो भाई, शांति से सुनिए। इस कोलाहल के बाद अगर सदन मुझे शांति से सुनने के लिए मन बना सके तो मैं बड़ा आभारी हूंगा। कम ऑन। यस, मेरे प्रस्ताव पर हुई चर्चा में जिन्होंने भाग लिया है, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये सदन चर्चा के लिए है, जरूर शांतिपूर्ण चर्चा के लिए, संयम चर्चा के लिए, तर्कपूर्ण चर्चा के लिए। कुछ मित्रों का प्रयत्न था कि कोई चर्चा न हो, तत्काल वोट ले लिया जाए और वो यहां से निकलते ही कुर्सी पर जाकर बैठ जाए। लाइक ए चाइल्ड, उधर से आवाज आ रही है कि ऐसा ही होगा जैसे आप बैठ गए, और आवाज आ रही है कांग्रेस के बेंचों से। हमारे और मित्र थोड़ा सा सावधान रहे। अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में मैंने 40 साल गुजारे, ऐसे क्षण बार बार आए, जी रहे। सरकारें बनी हैं, बदली हैं, नई सरकारों का गठन हुआ है, अभी बैचलर हो गया, लेकिन लोकतंत्र प्लीज डोंट मेक दिस काइंड ऑफ रिमार्क्स। नो इट्स ओके। लेकिन हर कठिन परिस्थिति में से भारत का लोकतंत्र बलशाली होकर निकला है, और मुझे विश्वास है कि परीक्षा में से भी बलशाली होकर निकलेगा। मैंने 40 साल आलोचना की है, आज भी अधिकांश में आलोचना सुनना पड़ी है। मराठी में एक कहावत है, निंदका से घर असावे शेजारी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। जिन मित्रों ने वो शिकायत कर रहे हैं, कौन क्या शिकायत, माइक इज वर्किंग है सबने। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया है, इट्स ओके, कोई उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। समता पार्टी के नेता श्री जॉर्ज फर्नांडिस, शिवसेना के नेता श्री सरपोदार, अकाली दल के नेता बरनाला जी, और हरियाणा पार्टी के जयप्रकाश जी, इन सब ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। जिन्होंने आलोचना की है मैं उनकी आलोचना का उत्तर दूंगा, मगर मैं विशेष रूप से श्री मर्थोली मारान
हिरू मरसोली महाराज, उनका उल्लेख करना चाहता हूं। आई हैव ए स्पेशल वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर माय डियर फ्रेंड श्री मरसोली महाराज मारन, आई स्टैंड करेक्टेड। डिस्पाइट अवर डिफरेंसेज ऑन सर्टेन इश्यूज, ही वॉज जनरस इनफ टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट ऑन द इश्यू ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग बाई स्टेटिंग कैटेगोरिकली that we did not use suitcases to convert our minority into majority. He has in fact demolished the baseless and politically motivated allegation leveled by some members. I am also glad that Thiru Maran has taken note of our resolve to restore the balance of resources in favor of states. We have always held the opinion that the center cannot be strong if the states are weak. Maran is disturbed over our advocacy of one nation, one people, one culture. I am happy that he shares our perception of one nation. But I must say that he has got it all wrong on our interpretation of one people and one culture. I categorically state here that BJP does not stand for uniformity. We recognize the celebrated India's plural, multi-religious, multilingual, and multi-ethnic character. This view is best reflected in a poem by one of India's greatest poets, Subramanya Bharati. The poem is entitled Antai or My Mother. Bharati says, I would like to read in Tamil. Muppadu Kodi Muhyamuyalayal Uir Mohipuram Ondra Deyal Ivar Chappumoji Padinet Deyal Anil Chindanai Andrudaya. इसका मैं हिंदी में अनुवाद कर दूं। थैंक यू। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम आई रेड समथिंग इन तमिल इन माई एड्रेस टू द यूनाइटेड नेशन। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, 30 करोड़, उस समय देश की आबादी 30 करोड़ थी। 30 कोटि मुखमंडल वाली है मेरी मां, एक है उसकी काया और आत्मा। भाषाएं वो 18 बोलती है किंतु एक है उसका चिंतन। मित्रों, सारा अध्यक्ष महोदय, मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं, जब मेरे जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है
कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। नभी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवास से डरता हूं। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? जब राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया और सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ विधि होना चाहिए और 31 तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? जिस जनता का हमने विश्वास अर्जित किया है, और आप इकट्ठी भीड़ न करें। मैं अलग अलग पीछे अब जब मैंने चर्चा आरंभ की थी तब इसका स्पष्टीकरण किया था। क्या यह तथ्य नहीं है कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं? अब जो और तर्क दिए जा रहे हैं मैं उन पर आऊंगा। क्या मैं राष्ट्रपति महोदय से कहता कि नहीं पहले मुझे जरा बात कर लेने दो? जब वो कह रहे हैं कि कल शपथ विधि होगी और मुझे समय दे रहे हैं 31 तारीख तक का, तो मैंने कहा कि 31 तारीख के जो समय दिया जा रहा है उसका मैं सदुपयोग करूंगा, अन्य दलों से चर्चा करूंगा, उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, एक कॉमन प्रोग्राम के आधार पर हम आगे बढ़ सकें इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या आपत्ति की बात है? इसमें कौन सा सत्ता का लोभ है? और फैसला केवल मेरा अकेला नहीं था, पार्टी का फैसला था। अध्यक्ष महोदय, आखिर जब एक बार 31 तारीख शक्ति परीक्षण के लिए तय हो गई और शक्ति परीक्षण पार्लियामेंट में ही हो सकता है, राष्ट्रपति भवन में या राजभवन में हो, या तो इसका तो हमने कभी प्रतिपादन नहीं किया, तो सदन की बैठक बुलाना जरूरी था, सदन की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण जरूरी था। हम तो कोई और भी काम रख सकते थे, कम से कम राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने का काम तो रख ही सकते थे, लेकिन ऐसा आपने ऐसा नहीं होने दिया। और मैंने भी संदेह पैदा हो इसलिए इस बात पर जोर नहीं दिया। जल्दी से जल्दी पहला अवसर, और इसलिए 27 तारीख और 28 को आज फैसला होने जा रहा है। हम बल दे सकते थे कि नहीं, हमें 31 तक का समय दिया गया है, हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, नियत पर शक नहीं होना चाहिए। मैंने ये खेल नहीं किया है, मैं आगे भी नहीं करूंगा। लोकतंत्र एक व्यवस्था है। अब कहा, अब गिनाया जा रहा है आपको कितने परसेंट वोट मिले,
हमने जो वेस्ट मिनिस्टर की पद्धति अपनाई है उसमें वोट नहीं गिने जाते हैं, प्रतिशत नहीं देखा जाता है, उसमें सीटें देखी जाती हैं। दोनों काम साथ नहीं हो सकते। ये कोई लिस्ट पद्धति वाला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और मैं इस पद्धति के दोषों को पहले से इंगित करता रहा हूं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस दल को देश में बहुमत न हो वो दल अधिक सीटें लेने में सफल हो जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वोट ज्यादा हो और सीटें कम हो। 1% वोट से, वोट के अंतर से केरल में संयुक्त सरकार बनी, एक सरकार हट गई, 1% वोट का फर्क था। अब ये जो सीटों का अंतर है इसको मानकर चलना पड़ेगा। अब इस समय आपका, आपके वोट कितने, तो फिर मैं गिनाता हूं आपके अलग अलग वोट कितने, और वो गिनती आपके लिए घाटे की गिनती होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इकट्ठे हो रहे हैं। किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? क्या देश में स्थिर सरकार देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? जवाबदेह सरकार देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? मैं फिर उसको दोहराना नहीं चाहता, आपका अभी तक कार्यक्रम नहीं बना है। उस कार्यक्रम को लेकर आप जनता के पास नहीं गए। जिस जनादेश की आप बात कर रहे हैं, परसेंट वोट की बात कर रहे हैं, वो अलग अलग प्रदेशों में मिला है, अलग अलग कारणों से मिला है। तमिलनाडु में मेरा तो कोई झगड़ा नहीं था डीएमके से, लड़ाई तो कांग्रेस से थी। और यही स्थिति आंध्र में हुई। आंध्र में हम तो लड़ाई में कहीं नहीं थे, लड़ाई हो रही थी कांग्रेस के साथ, और कहते जनाधिकार हमारे खिलाफ चला गया। ये कैसा जनाधिकार है? आप कहना, आप कहिए, आप कह रहे हैं, दबे दबे कह रहे हैं, साफ साफ कहिए, खुलकर कहिए कि हम किसी भी कीमत पर आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। ये भाषा ठीक नहीं है। इस भाषा के पीछे जो भावना है वो और भी गलत है। हिटलर का हुआ खड़ा किया जा रहा है सदन में, फासिस्ट बात पैदा हो रहा है इस तरह की। हाँ, जो पहली बार सदन में आए हैं, जिन्हें सदन की मर्यादा का भी पता नहीं है, वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मैं 40 साल से हूं पार्लियामेंट में। हम दल के रूप में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के आधार पर कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ते हैं। प्लीज प्लीज अध्यक्ष महोदय, प्लीज हैव पेशेंस टू लिसन। जनादेश कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस की संख्या आधी रह गई है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से लोगों ने अपनी राय प्रकट की है। अब सब अगर इकट्ठे आ रहे हैं और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, और कांग्रेस समर्थन देने को तैयार है। कल मेरे मित्र श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने जो कुछ कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अगर आप चाहें तो फैसला कर सकते हैं कि भाई हमने एक दूसरे को गाली दी होगी, मगर चलो छोड़ो, आज तो सबको मिलकर बीजेपी को गाली देना है। अगर ये सामूहिक निर्णय है, मुझे कुछ कहना नहीं। लेकिन इस तरह का निर्णय नकारात्मक होगा, इस तरह का निर्णय प्रतिक्रियात्मक होगा, इस तरह का निर्णय केवल हमें आने से रोकने के लिए होगा। और ये लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने वाली
परंपरा नहीं डालेगा, यह आज मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। हम तो प्रतिपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूंगा। मैं पत्रकार था और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। विरोधी दल का नेता हुआ, आज प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा ऐसा नहीं हुआ, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी ऐसा आप मत समझिए। लेकिन फिर मैं कुछ मुद्दों को उठाना चाहता हूं। मेरे हमारे फिर एक दूसरा आरोप लगाया जा रहा है, आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। आपने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है, और शादी ब्याह के समान कानून बनाने के बारे में भी जिक्र नहीं है। आपने स्वदेशी का भी परित्याग कर दिया, और ये बातें इस तरह से कही गई हैं जैसे ये बातें कहने वाले हमारे इस परित्याग से बड़े दुखी हैं। वो तो इन बातों की आलोचना करते रहे हैं, हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे, शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? अगर आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। हाँ सही, कोई छुपना छुपाने की बात नहीं, बहुमत मिलने से करते हैं। आखिर हम बहुमत के लिए लड़ रहे हैं। ये है रियल फेस। कैट आउट ऑफ बैग नाउ, कैट आउट ऑफ बैग। आखिर हम बहुमत, आखिर हमें जो जनमत मिला है, अगर आपको आपको उस जनमत ने स्वीकार कर दिया है तो हमें भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। हम तो बहुमत चाहते थे लेकिन बहुमत हमें नहीं मिला। अब हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं तो हमारा प्रयास है कि कोई आम सहमति से कोई चीज बने, कोई चीज चले, और इसीलिए हमने विवाद की बातों का उल्लेख नहीं किया। इस पर क्या आपत्ति है? अभी यूनाइटेड फ्रंट बनने जा रहा है, बहुत अच्छा बन गया, तो बहुत अच्छा। अभी कार्यक्रम बनने वाला है, वो भी बन गया, तो क्या उस कार्यक्रम में मार्क्सिस्ट पार्टी की जितनी भी विचारधारा है, मार्क्सिस्ट पार्टी का जितना कार्यक्रम है, वो ज्यों का त्यों पूरे का पूरा समाविष्ट कर लिया गया है? और अगर कर लिया गया है तो मार्क्सिस्ट पार्टी फिर सरकार से दूर क्यों रह रही है? जब संयुक्त मोर्चा बनता है, जब अनेक दल निकट आते हैं, साथ आते हैं, तो फिर हर एक को कुछ ना कुछ चीज छोड़ना पड़ती है। 1977 में भी हम 370 के समर्थक, 70 को समाप्त करने के समर्थक थे, रामलाल जी पासवान बैठे। 1977 में भी हम एटम बम बनाने के हक में थे, लेकिन
हमने जब देखा कि लोकतंत्र पर संकट आया है, बाकी की सारी बातें इस समय एक तरफ रखने की जरूरत है और लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। इमरजेंसी के कारण लोकतंत्र खतरे में पड़ा था, देश एक जेल खाने में बदल गया था। हमने कहा कि मिलकर चलें और इस आने वाले अधिनायकवाद को रोकें। किसी ने हमको उस समय नहीं कहा कि आप 370 कहां छोड़ाए, किसी ने नहीं कहा और ठीक नहीं कहा। जब आप संयुक्त मोर्चा बनाएंगे तो हर एक पार्टी को थोड़ा थोड़ा अपना छोड़ना पड़ेगा, अपना थोड़े थोड़े अपने विचारों को, कार्यक्रमों को अलग रखना पड़ेगा। और राष्ट्रपति ने अगर 31 तारीख तक का समय दिया तो इसीलिए दिया, राष्ट्रपति को मालूम था कि मेरा बहुमत नहीं है, लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने बुलाया और 31 तक का समय दिया और दलों से बात करो, विचार विनिमय करो, इस बात का प्रयत्न करो कि कोई स्थिर सरकार बन जाए, स्थायी सरकार बन जाए। ये और देशों में भी होता है और ये होने लगा था, इसलिए कि आपने सबसे ज्यादा टांग अड़ाई। आइसोलेटेड इन द कंट्री, व्हाई डोंट यू कंसीडर दैट? वी आर नॉट आइसोलेटेड। यस यू आर टोटली आइसोलेटेड। हमारे समर्थन इस समय, ये बात ठीक है, हमारे साथ कोई नहीं है। और फिर जब हम कहें कि हमारे साथ अकाली दल है जो अभी चुनाव जीत कर आया है, ही इज नॉट प्रो बीजेपी, इज एंटी कांग्रेस, दैट इज व्हाई ही इज। यू ऑल यू आर फ्रॉम प्रो कांग्रेस। What the Honorable Prime Minister is saying all the time, as if it was our solemn obligation to keep him in power. That is what we have been trying to find out from yesterday. If the majority of the members are not supporting you, is it the fault of the members? Other members who are not supporting you? I have got my own perception. I have got my own policies and programs. He is all the time accusing others as if we are entering into some combination. Does that justify him to remain in power without having the majority? Is this the way you are talking? कल से मैं आलोचना सुन रहा हूं और जरा सी आलोचना इनसे सहन नहीं हो रही है। अगर मतदाता ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया तो क्या मेरा दोष है? और हमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम करने का अवसर दिया क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते थे, ये भी हमारा दोष है? मेजोरिटी आचार्य प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कल उसका उल्लेख किया था, किस तरह से सीटें घटी हैं, किस तरह से वोट घटे, वो बात अलग है। कम बैक टू पावर विथ 2/3 मेजोरिटी, डोंट फॉरगेट। मगर कम हुआ, फॉर द फिफ्थ टाइम आई थिंक इट्स ओके। मिस्टर चटर्जी प्लीज लेट द प्राइम मिनिस्टर स्पीक। अध्यक्ष महोदय, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अरे आप साफ हो जाओगे भाई प्लीज। कि जो दल अलग अलग चुनाव लड़े थे, जो दल अलग अलग चुनाव लड़े थे, एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, वो अब साथ आने के बाद ये कह रहे हैं कि मैंडेट मिला है बीजेपी के खिलाफ। नहीं लड़े,
और उसके लिए 82% लोगों ने वोट दिया है। ये विचित्र तर्क दिया जा रहा है। आप यूनाइट कर चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे सामने नहीं। अरे आई बस तो आपको बांधता है मैं जरा बता था वीडियो दो जगह जीत का है, दो पार्लियामेंट से जीत का है, उसमें पाने से टू एल और नॉट टू एल। मैं आज दादा यू मैं आज उनका बात पाए दादा, ये दे डोंट लिसन टू यू, व्हाट इज दैट, व्हाई आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम, दे डोंट लिसन। व्हाई यू वांट, व्हाट डू यू वांट, यू वांट दैट टिल 31st, व्हाट इज दैट यू प्रपोज? आप तो आ जाओ, Have some patience. Let the Prime Minister continue. Please continue. मगर इतनी चर्चा चली, पहले तो आप चर्चा ही नहीं चाहते थे, और चर्चा चली तो सदस्यों ने रुचि ली और अच्छी बहस हुई, और निर्णय का वक्त आ जाएगा, आ गया। अभी भी आपको परेशानी हो रही है इतनी जल्दी सत्ता में जाने की? मुझे वो दिन याद है जब जनता पार्टी को तोड़कर आप चौधरी चरण सिंह जी को साउथ ब्लॉक ले गए थे, और उनकी कुर्सी के पीछे खड़े होकर आपने फोटो खिंचवाया था। Please sit down. Let the Prime Minister continue. Please. अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना बहुमत बनाने के लिए जो समय मिला था मैंने उसका उपयोग किया। मैंने अनेक दलों से अलग अलग बातें की। कुछ दल हमारे साथ आए हैं, कुछ दलों ने अपनी कठिनाई प्रकट की है। कुछ दलों का कहना है कि आपके साथ आने में हमें एक ही आपत्ति है कि हमारे कुछ वोट जाने का खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के कारण अगर वोट जाते हैं, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हर राजनीतिक दल को वोटों की चिंता करनी है, मगर ये वोटों का खेल किस सीमा तक जाएगा, किस हद तक जाएगा? क्या इसके सामने देश हितों की उपेक्षा कर दी जाएगी? हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं कि उन्हें पूरा संरक्षण मिलना चाहिए, बराबर का अवसर मिलना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, तो हमें कहा जाता है कि हम जो कुछ कहते हैं उस पर आचरण नहीं करते। आखिर सदन में बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है, जिन प्रदेशों में हमारी सरकारें मिली हैं बनी हैं वहां आचरण हो सकता है, और आप हमें केंद्र में समय देकर देखो और हम सारी बातें अमल में लाकर दिखा देंगे। मगर ये मेरी समझ में नहीं आया कि जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसकी तो चिंता है, मगर जो 2% है, अभी बरनाला जी का दर्द आपने सुना, उसकी पीड़ा नहीं? अध्यक्ष महोदय, मुझे वो दिन याद है दिल्ली में दंगों के बाद और सिख भाइयों के कत्लेआम के बाद मेरा भी भाजपा का एक कार्यकर्ता मुझसे रात के अंधेरे में मिलने के लिए आया। मैं उसको पहचान नहीं सका क्योंकि उसको उसके बाल कटे हुए थे, उसके केश कटे हुए थे, दाढ़ी कटी हुई,
केश कटे हुए थे, मैंने कहा तुम वही हो, तुमने ये क्या रूप बनाया, रात में क्यों आयो, चुप कर क्यों आयो, चोरी छिपे क्यों आयो। कहा मैं दिन में आपके पास नहीं आ सकता, मैं केश धारण करके बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने केशों की बलि चढ़ा दी है, मैंने दाढ़ी को दाढ़ी से भी मुक्ति मांग ली है, और मैं रात को आया हूं आपके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी व्यथा रोने के लिए। उस समय हमने दिल्ली के सिखों की वकालत की थी, चुनाव में हमें घाटा हुआ, सिख विरोधी भावना भड़काकर कांग्रेस ने सत्ता हथिया, हमने ऐसा पाप कभी नहीं किया। सेम, सेम। दोनों गलत है, मगर आप सिखों पर हुए अत्याचार की निंदा नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, नहीं दस साल तक बहुत बार किया है, हाउस में किया है, कितने बार किए हैं, पार्लियामेंट में कब किया, हाउस में कब किया, सारे अपराधी पकड़े नहीं गए, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स वी रेज दिस इश्यू, व्हाई इज मेकिंग सच एलिगेशन। मुलायम जी मेरे मित्र, नहीं नहीं वही आज भाजपा ही बन करके, और उन्होंने सिखों को लखनऊ में लूटा, यह वही बिल्कुल बराबर, हम नाम बता सकते हैं, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन प्लीज, प्लीज सिट डाउन। चलो मेरे मित्र श्री मुलायम सिंह जी, इस मामले में न बोले तो ज्यादा अच्छा हो, उनके शासनकाल में, प्लीज सिट डाउन, उनके शासनकाल जिस तरह से उत्तरांचल की मांग करने वाली महिलाओं के साथ जो दिल्ली प्रदर्शन के लिए आना चाहती थी, बलात्कार हुआ, जो कोर्ट ने जिसकी पुष्टि कर दी है, उसके बाद please, no. सभी मित्र कल से लेकर आज तक बोलते रहे, अब मेरी बारी आई है तो ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है।